नमस्कार, नमो नारायण। आप देख रहे हैं केटी ज्ञान। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मैं आज के इस वीडियो में आपको तीन बातें बताऊंगा। वो तीन बातें आपके पूजा और मंत्र साधना में बहुत काम आने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट में पूछे थे उसका मैं निराकार करूँ और मैं उसको सफल बनाऊँ। देखिए, आज मैं अपने इस वीडियो में तीन वो अहम बातें बताऊंगा जो अक्सर आप पूजा में करते हैं या आपको अनुभव होता है ऐसी गलतियां करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, बिना कोई समय गवाए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। देखिए, मेरे एक सज्जन ने मुझसे कल क्वेश्चन पूछा कि हम अपनी पूजा करते समय क्या मंत्र करें, पूजा खत्म होने के बाद हम किसको अपने मंत्रों को अर्पित करें। दोस्तों, मैंने अपने किसी एक वीडियो में ऑलरेडी इस बात को बताया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसके लिए आज एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं। आपको ये करना है कि जब भी आप किसी भी भगवान की पूजा या मंत्र साधना या कोई स्पेशल अनुष्ठान करते हैं, तो सबसे पहले जिस दिन आप शुरुआत कर रहे हैं उस दिन आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा विधि विधान से करनी है, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य कहे गए हैं। उसके बाद अपने पास एक लोटा अच्छा पानी लेके, शुद्ध साफ पानी हैंडपंप से भर के, अच्छा साफ सुथरा पानी ले लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए। उसके बाद पूजा शुरू करने से पहले उस पानी को अपने इस दाएं हाथ में हल्का सा डालिए और अपने भगवान से कहिए कि मैं इस अनुष्ठान को या इस साधना को करने जा रहा हूँ, इसको कृपया करके पूर्ण करें और मेरी इस पूजा को मेरे गुरु बन के सफल बनाएं। उसके बाद उस पानी को जमीन में डालना है और कहना है ओम विष्णवे नमः। फिर लेना है, फिर डालना है ओम विष्णवे नमः। फिर लेना है, फिर डालना है ओम विष्णवे नमः। उसके बाद आपको जो भी मंत्र साधना करनी है, जो भी पूजा अर्चना करनी है वो कर दीजिए। अगली बार फिर जब ये आपकी पूजा अर्चना खत्म हो जाती है, फिर से पानी को लेना है, हाथ में डालना है और बोलना है मैं अपने मंत्रों को भगवान विष्णु मेरे गुरु को समर्पित करता हूँ। फिर डालना है जमीन में और बोलना है ओम विष्णवे नमः। ऐसा तीन बार करना है और उसके बाद जो पानी जमीन पर गिरा है उस पानी को ऐसे लेना है और माथे पर लगा लेना है टीका के रूप में। अब आपका जो आसन है उस आसन को फोल्ड कर लीजिए किनारे से और जो पानी है उसको पी लीजिए। मैंने पहले भी एक उसमें बोला हुआ है कि जो आपका पानी होता है उसमें आपके मंत्रों का वाइब्रेशन जाता है, तो उस पानी को अगर आप पियेंगे तो वो पानी आपके अंदर आपकी आत्मा को और कुंडलिनी को शुद्ध करता चलेगा। तो ये आप जरूर करें, ये आप प्रतिदिन करें और जैसा मैंने बताया है इस मंत्र में वो भी पूर्ण तरीके से ये प्रक्रिया आप रोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रक्रिया आप नहीं करते हैं तो आपके जो मंत्र होते हैं अगर बहुत ज़्यादा सिद्ध हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाप हो जाते हैं, 1,25,000, 2,00,000, करोड़, तो आपके सारे मंत्रों का जो पुण्य फल है वो सब इंद्रदेव ले जाते हैं। तो होता क्या है, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगली बात, एक महिला ने पूछा मुझसे कुछ दिन पहले कि जब मैं पूजा करती हूँ किसी भगवान की तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब मैं क्लीम मंत्र का उच्चारण करती हूँ तो मेरा पैर कांपता है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले हर मंत्र में एक ऊर्जा होती है। मंत्र ही ऊर्जा से बने हुए हैं, उनमें ऊर्जा होती है। लेकिन जब हम किसी मंत्र को बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं तो कंपन होना स्वाभाविक है। देखिए, कुछ चीज़ें हमारी फिजिकल भी होती है, जैसे हो सकता है कि आपका पैर काफ़ी मंत्र साधना करने के बाद सुन्न हो गया हो, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि और मंत्र में आप उतनी श्रद्धा और भक्ति से नहीं करते हों। क्लीम मंत्र को आप करते ही आपके अंदर से एक श्रद्धा भाव निकल के आता है, तो हो सकता है कि वो पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे एक महिला मित्र ने पहले भी मुझे बोला था कि क्लीम मंत्र करते समय मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो यानी आपकी भावना है उस मंत्र में। तो हो सकता है कि इसी तरीके से आप जब क्लीम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो आपकी भावना ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको लगता है मैं इस मंत्र से सब कुछ पा लूँगी, कुछ तो है मेरे साथ, तो उसमें एनर्जी बढ़ जाती है, तो कंपन होना स्वाभाविक है।
अगली बात, लास्ट बात जो आती है, मेरे एक सब्सक्राइबर महिला मित्र ने मुझसे पूछा कि जब भी मैं मंत्र साधना करती हूँ, और मैंने ऐसा सुना है कि असीम मंत्र साधना करने में, असीम मंत्रों का जाप करने में हमारे शरीर में कंपन होने लगता है, हमें घबराहट होने लगती है, हमारा सर दर्द होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हर मंत्र में वाइब्रेशन होती है। मेरे पहले के वीडियो में भी मैंने ये चीज बताई हुई है। जब भी आप मंत्र पढ़ते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ, जैसे ओम सोम सोमाय नमः। अब ये मंत्र आपका उच्चारण, आपका ध्वनि ऐसे चलते हुए तैरता हुआ ब्रह्मांड तक जाता है। उसके बाद उस देवता पे, यानी जैसे मैंने अभी पढ़ा ओम सोम सोमाय नमः, तो चंद्र देवता के चरणों में टकरा के फिर से लौट के आपके अंदर आता है। अब जो आपका चंद्र का ऑरा है, जो आपकी कुंडलिनी है, जो चक्र है, वहां पे जाके प्रभावित करता है। यानी इस समय जब आपने मंत्र पढ़ा, वो वहां से चला, ब्रह्मा ने पूरा भ्रमण किया, चंद्रदेव को ढूंढा, टकराया उनके पैरों से, और उनकी ऊर्जा को लेके, यानी उनके अंदर की जो भावनाएं हैं, जैसे चंचलता, बुद्धि, संयम, पेशेंस, धैर्य, वो सब चीजों को लेके, वो सब स्वभाव को लेके लौट के आया और आपके चक्र में चला गया, तो आपका वो चक्र बैलेंस हो गया। तो यानी मंत्रों में वाइब्रेशन होती है। तो जब भी हम कोई भी मंत्र असीम तरीके से पढ़ते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है ना, आपका चक्कर आना है ना, आपका सर दर्द करना, क्योंकि उस वाइब्रेट एनर्जी को हम कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। और इसका एक और भी कारण है, जब हम उस एनर्जी को बढ़ाते हैं तो निगेटिव एनर्जी उससे लड़ती है और पॉजिटिव एनर्जी आपस में टकराती है, दोनों आपस में द्वंद्व चलता है। तो जब द्वंद्व चलेगा तो हमारे शरीर में गर्मी, हीट का होना स्वाभाविक है। अगर ये सब आप करते जाएंगे तो कुछ समय बाद जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निगेटिव एनर्जी पे विजय पा लेगी, क्योंकि निगेटिव एनर्जी आपको रोकेगी। आप कैसे रोकेगी? आपसे कहेगी मत करो, आपका दिमाग बार बार मोबाइल की तरफ जाएगा, आपका दिमाग जाएगा यार मैं खेलने में चला जाता हूँ, या ये मंत्र मुझे काम नहीं कर रहे हैं, या ये मेरा व्यर्थ है, मुझे कुछ हो नहीं रहा इतने दिन से। क्योंकि निगेटिव एनर्जी कलयुग में प्रभावी है, वो आपको रोकेगी हर चीज़ से कि मत करो मत करो मत करो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यही तो आपके धैर्य की परीक्षा है। अगर आपने ये समय को निकाल लिया तो कुछ समय बाद जो भी आपके साथ हो रहा है, जिसे आप अनुभव कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, फिर अच्छे अनुभव होंगे। अब वो अच्छे अनुभव क्या होंगे? आपको धीरे धीरे सुगंध का अनुभव होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएगा, आपके काम बनने लग जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, और दिया जो है अपना आकार बदलने लगेगा, कभी उसमें ओम बन जाएगा, कभी उसमें गुलाब का फूल खिल जाएगा, कभी उसमें चंद्रमा की आकृति आ जाएगी, अलग अलग चीज़ें आएंगी, एक खुशबू का एहसास होगा, ऐसा लगेगा कोई आपके पास शक्ति है। ये तब होगा जब आपके मंत्र सिद्ध होंगे, ये लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। तो आपको अपने धैर्य की पराकाष्ठा को बना के रखना है। आप जो आज मेहनत कर रहे हैं वो 100% सफल होगी, आपकी पूजा जरूर सार्थक होगी। तो दोस्तों, आप मेरी बात समझ गए होंगे कि वाइब्रेशन, हलचल होना स्वाभाविक होता है। जब आप किसी भी पराशक्ति को छेड़ते हैं तो वो अपना असर दिखाएगी। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर बटन पर भी क्लिक कर दें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अब तक के लिए भगवान आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें, ऐसा मैं कामना करता हूँ। नमो नारायण, जय श्री महाकाल, हरिओम।